আপনারা দেখছেন জবর খবর বাংলার স্পন্দন। ভাই আর বেনো, হামারে সোনার বাংলা কো মমতা দিদি নে বম ধমাকো সে গুঞ্জতা কর দিয়া হে। সোনার বাংলা কো কট মনি সে পরেশান কিয়া হে, ভ্রষ্টাচার সে পরেশান কিয়া হে। আর সশক্ত ভারত अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठी ही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। मेडिको मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और डायग्नोस्टिक এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে সিটি স্ক্যান, সিটিজি, 4D, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, ডিজিটাল এক্সরে সহ সমস্ত ধরনের শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পাবেন সুচিকিৎসার সুযোগ। মেডিকো মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক, জয়নগর থানা সংলগ্ন রেলগেটের কাছে স্পন্দন নার্সিং হোমের বিপরীতে। ফোন 9832800700 এবং 9933749467। এলাকার মানুষের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে কলকাতার পর জয়নগরে এই প্রথম আমরা কেএমপিও হল্টার পরিষেবা চালু করলাম। এ 10 সাল কে অন্দর নরেন্দ্র মোদি জি নে গরিব কল্যাণ কে লিয়ে ঢের সারে কাম করে। 25 কোড় গরিবো কো গরিবি রেখা কে বাহার লায়া, 80 কোড় লোগো কো मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, 3 तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? जोर से बोलो माताओं बहनों, बोलो हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? ममता दीदी नहीं चाहती 3 तलाक हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों,
एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं, पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती इनको, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने के लिए। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं, मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीएए का, ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। জয়নগরে প্রথম সরকার অনুমোদিত 100 শয্যা বিশিষ্ট নার্সিং হোম স্পন্দন মেটারনিটির নার্সিং হোম। এখানে 24 ঘন্টা আইসিসিউ, এনআইসিউ, ডায়ালিসিস ও সকল প্রকার মাইক্রো সার্জারি, ইউরো সার্জারি সহ অত্যাধুনিক শ্যামযুক্ত মডিউলার অপারেশন থিয়েটারে স্পাইন, ব্রেন ও অর্থোপেডিক রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সুব্যবস্থা আছে। এখানে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্যসাথী, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম ও অন্যান্য মেডিক্লেমের চিকিৎসা অপারেশনের সুবিধা পাবেন। স্পন্দন মেটারনিটি অ্যান্ড নার্সিং হোম, এনএবিএইচ অ্যাক্রিডিটেড হসপিটাল, থানা ক্রস রোড, জয়নগর, মজিলপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। যোগাযোগ 03218228500 ও 9732607328 এবং 9647346036। अभी अभी मैं आज आपको बताने आया, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाईकोर्ट ने एनआईए को दी। और ममता दीदी, एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो, आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो? आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाईकोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। ये बंगाल में एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है, पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और
সত্যজিৎ ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিটি স্ক্যান ইউনিট জয়নগর রাধাপল্লবতলা অত্যাধুনিক G32 স্লাইস মেশিনে সিটি স্ক্যান সিটি এনজিও এবং 3D সুবিধা পেতে আপনাকে আর কলকাতায় দৌড়াতে হবে না দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এই প্রথম অত্যাধুনিক G32 স্লাইস মেশিনে 24 ঘন্টার সিটি স্ক্যানের সুবিধা পাবেন আপনার এলাকার সত্যজিৎ ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিটি স্ক্যান ইউনিটে সিটি স্ক্যান বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে 9547475227 এবং 9733870691 সত্যজিৎ ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিটি স্ক্যান ইউনিট জয়নগর রাধাপল্লবতলা